हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं पबजी 1.3 जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जो हम बिना वीपीएन के चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें पूरी तरह वीपीएन यूज़ ही नहीं करना है, हमें वीपीएन यूज़ करना है बट वो कुछ देर के लिए। पर जो हम गेम खेलेंगे वो विदाउट वीपीएन ही खेलेंगे। सिर्फ हमें जो रिसोर्सेज और मैप डाउनलोड करने हैं वहाँ पर ही हमें वीपीएन यूज़ करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। यह है हमारा मोबाइल्स का स्क्रीन। आपको डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से वो डाउनलोड कर लेनी है। फ़िलहाल तो मैंने वो डाउनलोड की हुई है, तो सीधे हम लोग चलते हैं उस फाइल की तरफ। फाइल की साइज़ कुछ 913 MB की है, जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज आपको डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब इनबिल्ट है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप घबराइएगा मत, वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन कर देंगे, चलेंगे बैक स्क्रीन। और इसे ओपन कर देंगे सिंपली हम। अभी हमें कोई भी वीपीएन कनेक्ट नहीं करना है, सीधा ओपन पे क्लिक कर देंगे पबजी आइकॉन पे। यहाँ पे अलाउ कर देंगे परमिशन रिक्वेस्ट। इसमें दो केसेस हो सकते हैं। मेरे केस में जो विदाउट वीपीएन फाइल डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पे, इन केस अगर आपकी नहीं हो रही है तो आप वीपीएन कनेक्ट करके ही इसे ओपन कीजिए, या फिर उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो इंस्टॉल करके भी आपका ये प्रोसेस अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप उसे अनइंस्टॉल करके फिर से एक बार इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि जो फाइल है वो डाउनलोड हो जानी चाहिए, उसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये दोनों प्रोसेस आपको करके देखना है, या तो पहले वीपीएन कनेक्ट करके देखिए या फिर इसे दो बार इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे केस में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, तो मैं सीधा इसे विदाउट वीपीएन ही लॉगिन करने वाला हूँ। एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। फिर से एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे और लॉगिन विद फेसबुक। देखिए ये हो चुका है हमारा विदाउट वीपीएन लॉगिन। गेम के अंदर तो हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमें सिर्फ मैप्स डाउनलोड करने के लिए ही वीपीएन यूज़ करना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने वीपीएन कनेक्ट करके किया है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि वीपीएन मैंने अभी कोई भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। देखिए मैं मैप्स डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ पर वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। ये देखिए वीपीएन कोई भी अभी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ हमें वीपीएन के थ्रू मैप्स ही डाउनलोड करने हैं, बाकी कोई और प्रोसेस हम इसके अंदर नहीं करने वाले। और जो गेम प्ले हमारा रहेगा वो भी विदाउट वीपीएन ही रहेगा। यहाँ से भी नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो हम इसे बैक जाके वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे एक बार।
आप इनमें से कोई भी VPN यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं सिक्योर VPN यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से स्पीड में यही सबसे ठीक है अभी तक। इसे कर देते हैं कनेक्ट और मिनिमाइज, फिर से चलते हैं गेम की तरफ। पॉज कर देंगे, ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। इसे पॉज कर देंगे, हमें सिर्फ जो मैप ज़रूरी है हम उतने ही डाउनलोड करने वाले हैं। तो वीडियो बस यही तक था गाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर किसी भी तरह ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।